कमेटी चक्की ते पहाड़ा ते चले आया और तो आगे शायद मजा आ रहा है। ओके सो गाइस नया दिन और एक नया व्लॉग से शुरुआत करते हैं। तो फिलहाल दोस्तों एक स्टॉप लिया है पठानकोट से लगभग 50 किलोमीटर पहले, अपने मोगा को छोड़ते हुए डलहौजी जा रहे हैं। ओके सो गाइस नया दिन और एक नया व्लॉग से शुरुआत करते हैं। तो फिलहाल मिस्टर रवि जी मुझे पिक करने आए हैं। फिलहाल तो दोस्तों का करते हैं पिक और उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। और हमारा टू या थ्री नाइट्स का भी हो सकता है। फिलहाल तो हमने बुक करा है टू नाइट्स और एक्सटेंड भी हो सकता है हमारा ट्रिप। बने रहिए हमारे इस व्लॉग में और आपको बताते हैं डेस्टिनेशन के बारे में कि हम कहाँ जा रहे हैं, डिस्क्लोज कर दें थोड़ी देर में। अभी चलिए दोस्तों करते हैं व्लॉग का काम। ऑटोमेटिक नहीं है। सो गाइस दोस्त को कर लिया है पिक यहाँ से, उनके घर आए थे अभी तो मिस्टर कुलजीत को पिक कर लिया और यहीं से हम रवाना होंगे। जो हमारा डेस्टिनेशन है वो है डलहौजी। तो आपको डलहौजी की सैर कराएंगे दोस्तों इस व्लॉग में और दिखाएंगे वहाँ के जो लेटेस्ट अपडेट हैं कि वहाँ का वेदर कैसा है, क्या आप डलहौजी अभी आ सकते हो या नहीं आ सकते हो, कोई फ्लड वगैरह की वहाँ पे कोई लैंडस्लाइड की दिक्कत है या नहीं है, पूरी जानकारी इस व्लॉग में आपको देंगे। फिलहाल तो दोस्तों पिक कर लिया है और सामान वगैरह भी सेट कर रहे हैं और चलते हैं दोस्तों फिलहाल रवाना होते हैं। तो गुलजीत को, हाँ जी सर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, तुम सुनाओ? होगी थोड़ी सारी पैकिंग और? चलो गुड है सर। फुल कर दो भैया फुल। दोस्तों फिलहाल पठानकोट रोड अभी चढ़ चुके हैं और मौसम जो बात करो तो सामने वेदर लग रहा है काफी खराब है और बारिश बहुत ज्यादा होने वाली है। तो टेम्परेचर की बात करूँ डलहौजी का इस टाइम टेम्परेचर है 17 डिग्री, वो गारंटेड है वहाँ पे हमें मी बारिश बहुत ज्यादा मिलेगा। तो देखते हैं कि वहाँ पे घूमना फिरना क्या है, क्या सिस्टम क्या है। फिलहाल तो वेदर काफी अच्छा हो रहा है और कूल वेदर अपना बहुत जल्दी होगा। तो दोस्तों बारिश यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, देखते हैं और आगे मौसम कैसा होता है। फिलहाल ये बारिश की बूंदें आप यहाँ पे देख सकते हो शीशे पे और बादल छा रखे हैं और देखते हैं दोस्तों आगे के माहौल कैसा होता है। फिलहाल तो फिलहाल दोस्तों एक स्टॉप लिया है पठानकोट से लगभग 50 किलोमीटर पहले और एक ढाबा है यहाँ पे, ब्रेकफास्ट करेंगे ठीक है। और उसके बाद पठानकोट का जो रास्ता है 50 किलोमीटर यहाँ से है और पठानकोट से जो डलहौजी का रास्ता है वो लगभग 80 किलोमीटर है। तो हमें लगता है कम से कम 2-2.5 घंटे और लग जाएंगे ब्रेकफास्ट करने के बाद। तो फिलहाल दोस्तों जो भी अपडेट होगी डलहौजी के बारे में कि वहाँ पे वेदर कैसा है, वहाँ के प्लेसेस को जो विज़िट करने के अच्छे से प्लेसेस हैं और वहाँ की जो लोकल अपडेट है करंट सिचुएशन के बारे में कि अगर आप नेक्स्ट वीक में अपकमिंग डेज में आप आना चाहते हैं डलहौजी में तो आप आ सकते हो या नहीं आ सकते हो, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। और इस ट्रिप पे मैं सोलो नहीं हूँ, इस ट्रिप पे मेरे साथ 2 और फ्रेंड्स हैं जैसा कि आपको मैंने पहले भी दिखाया था ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों ये टूर होने वाला है लगभग 2 और 3 डेज़ का, पूरी अपडेट आपको इस वीडियो में देते रहेंगे। इस वक्त मैं खड़ा हूँ दोस्तों हाईवे पे, क्या देखते हो ये हाईवे है पूरा और ये है दोस्तों ढाबा। यहाँ पे ब्रेकफास्ट लंच और डिनर की सारी सुविधाएं मिल जाएगी, स्नैक्स वगैरह यहाँ पे हैं ठीक है। फिलहाल चलते हैं तो अंदर और ब्रेकफास्ट करते हैं पूरी छोले और उसके बाद करते हैं आपको नई अपडेट देते हैं। तो फ्रेंड्स ये था सॉफ्ट रेस्टोरेंट जहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया मॉर्निंग का, 380 रुपीज़ का मतलब टोटल एक्सपेंस आया है और इसमें पूरी चने थे, पूरी चने का जो क्वांटिटी अच्छी थी, 4 पूरी थी
और लगभग 120 रुपीस की थाली थी, बट या इट वाज़ ओके। अगर आप ये हम पे आना चाहते हो पठानकोट के रास्ते से, तो जलंधर से पठानकोट में, तो आपको ये सॉफ्ट रेस्टोरेंट मिलेगा, राइट। फिलहाल दोस्तों आगे की जर्नी को करते हैं स्टार्ट। पठानकोट यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर है, और 50 किलोमीटर के बाद हमें डलहौजी जाना है। 70 किलोमीटर और भी है, लगभग 2-2.5 घंटे और लगेंगे, और एक दो स्टॉपेज हम और लेंगे चाय पीने के लिए। फिलहाल दोस्तों जर्नी को करते हैं यहीं से आरंभ। कमेटी चक्की, कमेटी चक्की ते पहाड़ा ते चले आए आए और ता आगे ऐ इकट्ठे कीते जान सारा अपन टेंशन हो केसा लोणगे कहंदा कमेटी। गाइस चेक करें सामने खूबसूरत नज़ारा जो पहाड़ों की वादियों में देख सकते हो, कितने अच्छे अच्छे यहाँ पे घर हैं। होम स्टे के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है यहाँ पे। और फिलहाल दोस्तों अभी हम यहाँ पे आए हैं कुछ चाय के लिए, स्टॉप लिंद लिए हैं, और लगभग अभी 20-25 किलोमीटर अभी और पड़ा है डलहौजी। तो बस अभी हमने ब्रेकफास्ट के बाद चाय नहीं पी थी, तो मैंने सोचा कि जो पहाड़ों में चाय चल के पियेंगे। और सामने देखो कितना अच्छा नज़ारा, फिलहाल देखो चाय हैगी है। ओह ठीक है, तो फिलहाल ये छोटे से जो रेस्टोरेंट है भैया ने बना रखा है, यहाँ पे पियेंगे चाय, बढ़िया चाय। और ये देखिए यहाँ पे सर्व हो रहा है मैगी भी, मैगी पॉइंट है, अमृतसर नान है, और ये चाय कौन बनाएगा, तू बनाएगा चाय? बना देगा। अच्छा अच्छा आप बनाओगे? बना देगा। अच्छा वो बना देगा, चलो बढ़िया है। तो देखिए यहाँ पे बैठने के लिए भी यहाँ पे बना रखा है, बढ़िया अच्छा छोटा सा एक कॉन्सेप्ट इन्होंने रेडी कर रखा है, ठीक है। और ये पीछे काफ़ी यहाँ पे देख सकते हो कि ये आगे मतलब पहाड़ है, अभी पहाड़ ज़रा स्टार्ट नहीं हुए, अभी पठानकोट का बॉर्डर क्रॉस किया है, तो आगे चल के जो पठानकोट के जो सॉरी डलहौजी के पहाड़ भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे, तो पहाड़ों का भी एक झलक आपको मैं दिखाऊँगा। फिलहाल तो दोस्तों अभी रोड पर हैं हम, ये आप देख सकते हो। अच्छा अभी स्टार्ट किया है ना, अभी शुरुआत की है? ना ना सर ये पहले का शुरू। नहीं नहीं मतलब दिन अभी दिन में अभी तो आपने शुरुआत की है वाली। नहीं नहीं ये तो डरा रहा है ना। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, मुहूर्त पहले करना पड़ा। अच्छा मुहूर्त, हाँ ठीक है ठीक है भैया जी। हम अपने मोगा को छोड़ते हुए डलहौजी जा रहे हैं, बट हमारा मोगा बहुत अच्छा है। के बारे में बताइए कुछ, दनेरा जो शहर है वो क्या पंजाब का लास्ट? हाँ जी दनेरा जिहड़ा पठानकोट तो 40 किलोमीटर अगे है, तो दनेरे तो 40 किलोमीटर ही अगे डलहौजी है। ये पंजाब का आखिरी पिंड शहर है, इस तो अगे हिमाचल शुरू हो जाता है। ओके। और इतने एक आम पापड़ बहुत मशहूर है इतों का, कोई भी आम पापड़ तुम लेना हो इतों बहुत वाजिब रेट से तो बहुत वधिया मिलता है। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ से जो लगभग डलहौजी की दूरी है 30-35 होगी। हाँ जी इतनी की है, 30-35 किलोमीटर जो है डलहौजी की दूरी है, और दनेरा जो है वो लास्ट विलेज है, लास्ट शहर है पंजाब का। बाकी फिलहाल दोस्तों जो अगली इंफॉर्मेशन है वो आपको डलहौजी जाकर देंगे। ये देखिए गाइस, अभी मैं हूँ डलहौजी के बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट में, जहाँ पे सुभाष चौक का नाम को सुभाष चौक है ये, और बिल्कुल यहाँ पे माल रोड भी है, ठीक है। मतलब दिस इज़ द मेन पॉइंट ऑफ डलहौजी, अगर आप डलहौजी आ रहे हो तो ये आपको मेन पॉइंट मिलेगा फिलहाल तो, ठीक है। और यहाँ पे सुभाष चौक मैं आपको दिखाता हूँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, यहाँ पर बहुत बड़ी प्रतिमा है, यू कैन सी दैट, ठीक है। और गाइस जो यहाँ का वेदर है बहुत ही बढ़िया वेदर है, मतलब आप लेके चलो कि यहाँ पे पूरा फॉग है, यहाँ पे पूरा लेक, ठीक है, और आपको गर्मी से पूरी राहत यहाँ मिलेगी। अगर आप आना चाहते हो फिलहाल डलहौजी पंजाब से, मेरी वीडियो कोई भी देख रहा है बंदा, तो यहाँ पे डलहौजी में वेदर आपका यहाँ पे काफ़ी कूल है। अगर आप आना चाहते हो इन बिटवीन डेज तो आप आ सकते हो, वेदर आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। फ्रेंड है मिस्टर कुलजीत, हेलो, ठीक है, और मिस्टर रवि कुमार, हाय, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? वेरी नाइस, वेदर अच्छा है, वेदर इज वेरी कोल्ड। हाँ ओके दैट्स ग्रेट, ठीक है।
तो बाकी यहाँ पे एक साइन भी है आई लव डलहौजी, तो अगर आपको पिक्स वगैरह क्लिक करवानी है तो आप यहाँ पे पिक्स वगैरह भी क्लिक करा सकते हो। दिस इज़ द लाइक फ्रॉम हिमाचल टूरिज्म, ठीक है। तो ये है दोस्तों फिलहाल यहाँ का नज़ारा एज ऑफ नाउ का, ठीक है। और हेलो हेलो, तो दोस्तों जैसे ही आप सुभाष चौक से आते हो नीचे की तरफ, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मालोड के जो रास्ता है ये रास्ता मिलेगा आपको मालोड का, ठीक है। तो इसी रास्ते पे आपने मालोड पे जाना है और यहाँ पे आप गांधी चौक मिलेगा, वहाँ पे अगर आपको ईट स्ट्रीट फूड खाना है, यहाँ का लोकल फूड ट्राई करना है, मोमोस या तुपका जैसे इस तरह का फूड, तो यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो। फिलहाल दोस्तों अभी हम आ रहे हैं मालोड पर, तो वहाँ की गतिविधियाँ आपको पूरी दिखाते हैं कि किस तरह का मालोड का सीन है। और एज ऑफ नाउ मौसम थोड़ा सा चिल्ड है, यहाँ पे बारिश हल्की फुल्की यहाँ पे हो रखी है पहले भी, बट ये है कि मौसम काफ़ी अच्छा है और धीरे धीरे मतलब यहाँ पे बारिश भी हो रही है और हल्की हल्की धूप भी यहाँ पे खिली हुई है फिलहाल, ठीक है। और अभी हम जो जा रहे हैं मालोड की तरफ जा रहे हैं गांधी चौक, राइट। जंत्रम मंत्रम, ओके ओके ओके। गाइस चेक करें यहाँ का व्यू, बहुत ही बढ़िया है और यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं है, सिर्फ हमारे के अलावा डलहौजी सिर्फ हम ही घूमने आए हैं और कोई यहाँ पे घूमने नहीं आया यहाँ पे, और यहाँ बन गए गाइस। लोगों ने बहुत बोला था कि डलहौजी में बहुत सारा रश होगा, बहुत यहाँ पे भीड़ होगी, बट यहाँ पे कोई भी रश नहीं है, कोई भीड़ नहीं है, हमारे अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं है। और यहाँ पे आप सामने यहाँ पे देखे दोस्तों कोई भी आपको बंदा परिंदा नजर नहीं आएगा। ये सामने जा रहा है हमारा, सामने दो लोग आ रहे हैं, ये तो होटल के ही बंदे हैं और यहाँ पे फिलहाल कोई भी टूरिस्ट नहीं है। अगर आप आना चाहते हो आप आइए, बेझिझक कोई नहीं मिलेगा आपको कोई नहीं मिलेगा। अब मेरे ख्याल से ये वक्त कोविड का चल रहा है जिस वजह से यहाँ पे रश ही नहीं है। हमें लग रहा है कि हाँ, हमें ये लग रहा है कि ये टाइम कोविड का है, बट कोविड तो यार बहुत पहले खत्म हो चुका है। दूर दूर तक कोई बंदा है बंदा। गाइस चेक करें यहाँ पर व्यू, देखिए यहाँ का दोस्तों चेक करे। इतने बैठी है यार, इतने बैठी है, 5 मिनट बैठी है, 10 मिनट तो रहा चल गई यार उतने ही। गाइस देखो ये देखो हमारे यहाँ पे मिस्टर रवि जी वादियों का आनंद लेते हुए, देखिए सर व्यू देखिए, व्यू देखिए। दोस्तों फिलहाल आपको होटल मिलेगा सनराइज, होटल सनराइज के बिल्कुल बाजू में आपको गांधी चौक यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है और यहीं से जो माल रोड हम बोलते हैं माल रोड भी यहीं पे स्टार्ट होता है। और जितने भी यहाँ पे लाइक मोस्ट हैपनिंग एरिया होता है जो भी प्लेस का, जैसे कि आप किसी भी चीज़ में जाते हो तो वो आपको यहाँ पे मिलेगा फिलहाल एज ऑफ नाउ। अभी जो आप सीन देख रहे हो वो डलहौजी के गांधी चौक का है, तो मैं आपको गांधी चौक का पूरा सीन दिखा रहा हूँ यहाँ पे, फिलहाल आप देख लीजिए। ऐसे लगे कि हम झूले पूरा रियल फील है जैसे स्पेस की स्पेस की है। अच्छा वो तो ये नहीं नहीं 90 है यार, मुंह तो बड़ा निकल रहा। प्राइस क्या है, प्राइस कितना प्राइस है भैया इसका? 100 रुपए पर राइड, 100 रुपए पर एक लोग का 100 रुपए। अच्छा अच्छा ये वाला है ना, देखिए अपन नहीं नहीं रहने, मैं लेना ले लो, मैं लेना यार 100 रुपए। कितना लेना भैया?
राइट आप सिलेक्ट करो फिर हम टाइम केड़ी लेवाई ना दसो कौन कौन सी राइड है यहाँ पे बताइए जो आग लगी सारे थोनू की ये वाले रोलर वाली है हाँ वाले ये वाली ठीक है एक कार वाली है हाँ ठीक है वर्चुअल सिनेमा है हाँ ये नहीं ये वाली है हाँ नहीं ये रोलर कोस्टर जी कौन सी रोलर कोस्टर ये आपको सबसे नंबर वन राइड आएगी इसके बाद रोलर कोस्टर जेडी अच्छी हो गई है ये दो मिनट तीस सेकंड की होगी सबसे और ये चार चार मिनट वाली वधिया नहीं फिर ज्यादा टाइम लगेगा वो तो ठीक है लेकिन एंजॉय दो मिनट में आएगा अरे चार मिनट वाले ज़्यादा बढ़िया है तो वही तो मैं बोल रहा हूँ रोलर कोस्टर लगा रहे आ जाओ भाई एक लोग और एक लोग और दो तो बिना चल दी नहीं ना ना दो नहीं चाहिए कि हम तो मैंने नहीं करनी है आप आ जाओ ओके गाइस सौ रुपए की दो है सौ रुपए की हाँ अरे पीछे 90 बता रहे थे यार पीछे 90 मूवी होती है हम भी बोलते हैं 90 ये भी चलाना पड़ेगा ना 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 नहीं अगर मुझे भी करना हो तो फिर एक बंदा और है कहाँ से अरेंज करोगे पर वो कर देंगे अगर एक बंदा कर देंगे फिर ठीक है चलो करिए अब पहले याद ही नजारे यार नजारा ले आ दे बस रोलर कोस्टर है ना नहीं चार मिनट वाली ला दूं वही रोलर कोस्टर तो यहाँ पे पीछे वर्चुअल सिनेमा है तो इस तरह की जो राइड्स हैं मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप वर्चुअल सिनेमा में 3D आपको जो सनग्लासेस होते हैं वो आपको देते हैं फिलहाल तो उसके ज़रिए आप वर्चुअल सिनेमा का आनंद लेते हो ये है दोस्तों यहाँ पे जो राइड्स है और इस टाइम आप गांधी चौक का देख रहे हो व्यू जो कि डलहौजी में है अगर आप अभी अभी अपने अभी ज्वाइन किए हमारे वीडियोज़ को तो आप देख लीजिए कि अभी मैं जो पीछे की वीडियो आप पूरी दिखा रहा हूँ वो डलहौजी की दिखा रहा हूँ एज ऑफ नाउ डलहौजी एक्सप्लोर कर रहे हैं और कल जो करेंगे खजियार करेंगे पंचकुला करेंगे और छमेरा लेक करेंगे राइट ठीक है फिलहाल अभी आपको डलहौजी गांधी चौक का मैं व्यू दिखा रहा हूँ ये देखिए दोस्तों और यहाँ पर वर्चुअल सिनेमा जो मेरे फ्रेंड है साथ में वो वर्चुअल सिनेमा के यहाँ पर आनंद ले रहे हैं ठीक है ये देखिए इस तरफ और इसके बाद मैं भी लूँगा राइट लूंगा मैं भी ये आप गाइस दे सकते हो यहाँ पे ये होटल है यहाँ पे और ये यहाँ पे बना हुआ एक शोरूम यूज अम्ब्रेला फॉर फ्री ओके ओ बना सकते हैं वीडियो ये बच्चे हैं हाँ जी है ना ये कुछ कहते तो नहीं है ना बैठ जाए साथ में अच्छा तो ये आप सेल करते हो सर फोटो के लिए अच्छा सर ओनली फोटो के लिए होते अच्छा मुझे लगा सेल करते हो ठीक है तो ये कितने में होता है वैसे मतलब फोटो का ऑर्डर खिंचवानी है तो फोटो सर जब बाकी मर्जी है कोई 100 भी दे जाता है कोई 50 दे जाता है अच्छा अच्छा तो कोई थैंक यू लेके चले जाता है ठीक है ऐसा भी होता है तो समझ गया पूरा की बात है और ये छोटे इसके बच्चे हैं नहीं सर इसका बच्चा है ये अच्छा ये इसका बच्चा है ओके 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 ठीक है मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ अपने फ्रेंड्स की जो वर्चुअल सिनेमा का मज़ा ले रहे हैं ये देखिए मजा आ रहा है तो दोस्तों आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी ये हमारे डलहौजी का फर्स्ट पार्ट है और जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो फर्स्ट पार्ट का ही सेकंड वीडियो आएगा सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट का ही आएगा तो सेकंड पार्ट में आपको हम तिब्बतन मार्केट डलहौजी की मार्केट की शॉपिंग और कुछ खाने की आइटम्स की भी आपको दिखाएंगे फिलहाल दोस्तों आपसे लेते हैं फर्स्ट पार्ट में अलविदा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना लाइक शेयर और कमेंट कर देना धन्यवाद दोस्तों।